कोरोना योद्धा इस आपदा की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से बखूबी निभा रहे हैं। इनकी सेवाओं के लिए हमें इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी कड़ी में समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट बाबा बड़ो हिमाचल प्रदेश के चेयरपर्सन कुलदीप शर्मा व उनके सहयोगी शशि शर्मा ने हमीरपुर मीडिया व कृषि विभाग हमीरपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना महामारी के दौरान बेहतर भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक कुलदीप वर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी बखूबी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी के योगदान को नहीं भूला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान काम कर रहे सभी कर्मचारियों को संस्था ने सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को भी संस्था की ओर से सम्मान दिया गया है। तो मैं पहले थोड़ा सा ये समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये 2016 में इसको रजिस्टर्ड करवाया था और इसके द्वारा जो हमारा मेन लक्ष्य है, गतिविधियां हैं सामाजिक कार्यों के लिए, वेलफेयर के लिए इसको हमने डेवलप किया है। और इसमें मेरा बहुत बड़ा एक सपना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अपंग बच्चे, आज उन अपंग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी उन बच्चों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। ना वो चलते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो कह सकते हैं। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा सपना है जिसके ऊपर मैं लगा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए कि मैं एक हर जगह एक इंस्टीट्यूशन शुरू करूँ और उस इंस्टीट्यूशन में मैं इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलाऊँ। उस एजुकेशन का मतलब इतना हो कि वो बच्चे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, कि वो दिन का 100-200-400 रुपया कमा सके ताकि वो किसी के ऊपर ज़िंदगी में बोझ ना बने। इस तरीके के हमारे जो इस समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्य हैं, और इसके साथ साथ हमने ये संकल्प लिया है कि समाज में जो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको हम इस समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट से सम्मानित किया करेंगे। कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में पड़ी हुई है, तो इसके लिए जो हमारे योद्धा दिन और रात काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से हम आज नींद भर सो रहे थे और वो हमारे लिए बॉर्डर लाइन पे काम कर रहे थे, उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और हम जैसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने दी। तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि वो इस लड़ाई से दिलो जान से लड़ते रहें, तो आज मैं और आज यहाँ एग्रीकल्चर विभाग, मैंने माननीय यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात की, कुलदीप जी से, कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हमीरपुर से, मैंने शिमला जाना है, तो आप अगर हो सके तो जो आपके कर्मचारी हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया तो क्यों ना हम उन्हें सम्मानित कर लें। तो उन्होंने मेरी बात को टोका नहीं और इन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, तो इसको हम कल जल्द ही कर लेंगे। और जब मैंने यहाँ से पूरा ब्रीफ लिया तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि इस दौरान, कि कर्फ्यू के दौरान इन्होंने यहाँ पे जो इनका अपना एरिया था, जो ज्यूरिडिक्शन इनके अंदर आती थी, उस एरिए में इन्होंने किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी। चाहे बीजों से लेकर जो भी किसानों को एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कार्य आते हैं उसके लिए इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी। और उसके बाद में तहे दिल से एक बार फिर अपने जिन्होंने कोरोना के ऊपर हमारे लिए बॉर्डर लाइन पे काम किया, उनके लिए मैं फिर एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम समाज में सुरक्षित हैं और उन्होंने आज इस कोरोना जैसी महामारी को समाज के अंदर जो वो एंट्री नहीं होने दी। हर एक पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे योद्धा कर्मचारी लगे हुए थे वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय।